नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल राजू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में डेनफॉस ड्राइव, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, डेनफॉस ड्राइव है, उसमें हम लोग स्टार्ट स्टॉप और फ्रीक्वेंसी अप फ्रीक्वेंसी डाउन पुश बटन के हेल्प से कैसे किया जाए, उसका वायरिंग और पैरामीटर सेटिंग, उसके बारे में इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ड्राइव को मैंने वायरिंग करके रखा है पहले से ही, और यहाँ पर मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ इसको। स्टार्ट करने के बाद फ्रीक्वेंसी अप करने के लिए पुश बटन का यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, मोटर भी आप लोग को दिखा देता हूँ, स्पीड बढ़ गया। और स्पीड डाउन करने के लिए हमारे पास दूसरा पुश बटन है, और मैं आप लोग को स्पीड डाउन करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डाउन हो रहा है। इसका वायरिंग और पैरामीटर सेटिंग कैसे किया जाए, उसके बारे में आप लोग को इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार मैं मोटर को स्टॉप करता हूँ इससे, ये मेरा मोटर स्टॉप हो गया है। चलिए इसके वायरिंग के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आप लोग को। यहाँ पर आप लोग मैनुअल में देख सकते हैं 12 नंबर टर्मिनल है, यहाँ से 24 वोल्ट डीसी निकलेगा। यहाँ से हम लोग 24 वोल्ट डीसी ले लेंगे। और उसको 18 नंबर टर्मिनल में एज स्टार्ट यूज करेंगे, और वहाँ पर हम लोग पुश बटन लगा देंगे, स्टार्ट पुश बटन इस तरीके से। यहाँ पर मैंने कर रखा है 12 नंबर टर्मिनल से 24 वोल्ट डीसी लेकर के, और स्टार्ट पुश बटन का यूज करके हम लोगों ने 24 वोल्ट डीसी 18 नंबर टर्मिनल को दे दिया है, जिससे इसको दबाने से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग स्टॉप का यूज करेंगे, ये मेरा स्टॉप का है, एनसी टर्मिनल है, और इसको हम लोग 27 नंबर टर्मिनल में सप्लाई दे देंगे स्टॉप करने के लिए। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए एक स्टार्ट पुश बटन का यूज करेंगे, और उसको हम लोग 29 टर्मिनल को यूज़ कर लेते हैं। इसमें स्पीड अप हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्पीड अप। और स्पीड डाउन करने के लिए इसी 24 वोल्ट डीसी को लूप ले लेंगे, और एक दूसरा एनो का यूज़ कर लेंगे, और 33 नंबर टर्मिनल पे हम लोग ले जा करके दूसरा आउटपुट साइड ज्वाइन कर देंगे उसका। यहाँ पर देख सकते हैं 33 नंबर, और ये मेरा स्पीड डाउन का है। इस तरीके से हम लोग इस ड्राइव का वायरिंग करेंगे। 12 नंबर से 24 वोल्ट डीसी लेकर के स्टार्ट से फिर 18 नंबर टर्मिनल में दे देंगे यहाँ पर, और 27 पे स्टॉप का लाइन दे देंगे, 29 में स्पीड अप, और 33 पे स्पीड डाउन का। इसके बाद हम लोग पैरामीटर में जाएंगे। 18 नंबर टर्मिनल सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 18 नंबर टर्मिनल सेट करने के लिए 5-10 पे जाएंगे हम लोग, 5-10 पे चलते हैं। फाइव 5 का 10 है, 5 के 10 में हम लोग 9 सेट करेंगे,
बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 8 रहता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 9 सेट कर देंगे। ये हमारा लैच स्टार्ट है जिसमें हम लोग को कॉन्टैक्टर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट एक पुश बटन से आप दबाने से वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कॉन्टैक्टर का यूज़ करके सर्किट कंप्लीट बनाना है तो यहाँ पर पैरामीटर पे 8 सेट कर देंगे। सेट करने के लिए आपको ओके प्रेस करिए, यहाँ पर ब्लिंक करेगा और डाउन से प्रेस करके 8 करिए इसको और ओके कर दीजिए। इस समय हम लोग का लैच स्टार्ट है इसीलिए 5:10 पे हम लोग 9 सेट करेंगे। यहाँ पर 9 सेट करते हैं, ये मेरा सेट हो गया। 18 नंबर टर्मिनल लैच स्टार्ट के लिए मैंने यूज किया है इसीलिए 5:10 पे 9 पैरामीटर सेट कर दिया है। आपको मैनुअल में भी एक बार दिखा देता हूँ, 5:10 ये मेरा 5:10 है। 5:10 में टर्मिनल 18 डिजिटल इनपुट का सेटिंग है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट 8 रहता है, यहाँ पर देख लीजिए स्टार्ट के लिए, लेकिन इस समय मैंने 9 सेट कर दिया है लैच स्टार्ट के लिए। इसी तरीके से हम लोग 27 नंबर टर्मिनल को सेट करेंगे। ड्राइंग में देख लेते हैं 27 नंबर टर्मिनल कितने नंबर पैरामीटर पर जाके सेट करना है। ये 27 नंबर टर्मिनल है, स्टॉप का यूज किया गया है और यहाँ पर पैरामीटर नंबर 512 में जाएंगे हम लोग। 512 में जा करके फ्रीज रिफ्रेंस सेट करेंगे। ये हमारा फ्रीज रिफ्रेंस के लिए 19 सेट करना पड़ेगा। 512 टर्मिनल 27 पर हम लोग 19 सेट कर देंगे फ्रीज रिफ्रेंस के लिए। यहाँ पर मैंने वही किया है, आप लोग देख लीजिए। 512 पे चलते हैं, 512 पे 19 सेट कर दिया गया है, इससे हमारा फ्रीज रिफ्रेंस हो गया। सत्ताईस नंबर टर्मिनल का भी सेटिंग आपको बता दिया है मैंने, 512 में जा करके फ्रीज रिफ्रेंस सेट करेंगे। और स्पीड अप के लिए 29 नंबर टर्मिनल का यूज़ किया है, उसमें आप लोग 530 नंबर पैरामीटर पे जाएंगे और वहाँ पर स्पीड अप सेट करेंगे 513 नंबर टर्मिनल 29 है यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग स्पीड अप सेट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 21 सेट करेंगे स्पीड अप, और स्पीड डाउन के लिए 22 सेट करेंगे। एक बार मैं आपको इसमें पैरामीटर दिखा देता हूँ, 513 29 नंबर टर्मिनल है और यहाँ पर 21 सेट किया है मैंने। इसी तरीके से 515 आएगा जो 33 नंबर टर्मिनल का सेटिंग है, जिसको मैंने 22 सेट किया है स्पीड डाउन के लिए। इसी तरीके से हम लोग वायरिंग करके लैच स्टार्ट, फ्रीज रिफ्रेंस, स्पीड अप और स्पीड डाउन का पैरामीटर सेट कर देंगे ड्राइव में, और अपने ड्राइव को बिना पोटेंशियोमीटर के हेल्प से पुश बटन यूज करके स्पीड अप और स्पीड डाउन करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से चला के दिखा देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और स्पीड अप है, यहाँ पर बढ़ाता हूँ स्पीड, ये देखिए स्पीड बढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप स्पीड बढ़ेगा, लगातार दबा के रखेंगे जल्दी जल्दी बढ़ेगा, यहाँ पर देख लीजिए। और स्पीड डाउन भी करके दिखाता हूँ आपको, ये मैंने स्पीड डाउन प्रेस किया, ये देखिए। अब ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।